हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान्स होम्योपैथी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूरिसी के बारे में, मतलब जिन लोगों को चुभन वाला दर्द होता है सीने में, कांटे से चुभने वाला दर्द होता है, उसमें एक बीमारी होती है प्लूरिसी। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्लूरा क्या होती है। तो प्लूरा हमारे फेफड़ों के चारों ओर एक लेयर की तरह होती है, जो फेफड़ों पे चिपकी हुई होती है, एक सैक की तरह वह उसको कवर करके रखती है। तो जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम प्लूरिसी बोलते हैं। इसका काम हमारी बॉडी में चेस्ट वाल, डायफ्राम और हार्ट को लंग्स से सेपरेट रखने का है, उनसे जो विसराज हैं इसके आसपास में उनसे अलग रखने का है। बट जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है और कई बार पानी भी इकट्ठा हो जाता है, फ्लूड रिटेंशन हो जाती है, जिसको हम प्लूरिसी या फिर प्लूराइटिस बोलते हैं। तो कारण इसके क्या क्या होते हैं, तो इन्फेक्शन में आपको वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल, फंगल, ट्यूबरकुलोसिस और खास करके न्यूमोनिया, ये सारे इन्फेक्शन फेफड़ों की लेयर को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्लूड भी इकट्ठा हो सकता है और प्लूराइटिस हो जाती है। और भी इसके कारण हैं, कई बार चोट लगने की वजह से और कई बार रिप्स टूट के जब अंदर लग जाती है तो उसकी वजह से भी उसमें परेशानी हो सकती है। तो प्लूरिसी के और भी कारण हो सकते हैं, हमारी बॉडी में चल रही और सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से भी प्लूरिसी हो सकती है, जिसमें ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, रोमोटॉइड आर्थराइटिस और वैस्कुलर डिजीज़ में भी ये परेशानी हो सकती है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आपके अंदर होंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वह दर्द के आते हैं, कि आपको सीने में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। जिस फेफड़े में इन्फेक्शन है आपको, उस साइड में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट में दर्द होगा, राइट में तो राइट में दर्द होगा। और इसमें जो दर्द का करैक्टर होता है वो आपको स्टिचिंग पेन होगा, शार्प पेन होगा, स्टैबिंग पेन होगा और बर्निंग पेन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा चुभन वाला आपको दर्द होगा। और ये जो सारा दर्द है ये आपको खांसने से या किसी तरह का बॉडी मूवमेंट करने से ये आपका दर्द बढ़ेगा, यहाँ तक कि अगर आप गहरी सांस लेते हैं तो ये आपका दर्द इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसका खास सिम्टम होता है। दर्द की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि आपको अंदर इन्फेक्शन कितना है और कितने दिन से है और क्या अगर रुका हुआ या फिर फैल रहा है। तो दर्द डिपेंड करता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है। दर्द के साथ साथ और सिम्टम्स आते हैं, जिसमें खांसी रहना, खांसी भी डिपेंड करती है कि आपको इन्फेक्शन कितना है। उसी तरह से फीवर, अगर आपको बुखार रह रहा है साथ में ये सिम्टम आ रहे हैं, खांसी है और सीने में चुभन वाला है, तो सस्पेक्टेड है कि आपको प्लूरिसी है। साथ में आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, सांस लेने में आपको परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे इसके मेन सिम्टम। अब हम इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप इसमें एक एक्सरे करा सकते हैं, अपना चेस्ट MRI करा सकते हैं, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको प्लूरा में इन्फेक्शन है और आपको प्लूराइटिस है। बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट की, कि इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अगर होम्योपैथी की बात करते हैं तो इसमें आपको एक मेडिसिन लेनी है। जो कॉमन सिम्टम इसके डिजीज़ के हैं, वह कॉमन सिम्टम इस मेडिसिन के हैं, जिसका नाम है ब्राइनिया। दोस्तों, मेडिसिन आपने लेनी है 30 पोटेंसी में, 30 पावर में आपने मेडिसिन लेनी है। लेने का तरीका, आपने 5-5 बूंदे दिन में 3 बार, आप इसको डायरेक्ट टंग पे भी डाल सकते हैं और आपको थोड़े से पानी में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। एलोपैथिक में आप एंटीबायोटिक और पेन किलर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेडिसिन कितने दिन लेनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको उस मेडिसिन से कितना आराम है और आपके अंदर इन्फेक्शन कितना है, या फिर आपके कोई मेडिसिन चेंज करनी है। अगर आपके अंदर ये लक्षण है और आपको सीने में सुई सी चुभती है, कांटा सा चुभता है, तो आपको प्लूरिसी की जांच करानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे मेरा शॉर्ट वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। आपके लिए मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਮਲਤੀ ਮਾਫ ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੰਦਰ।